तो ये बात करीब 2 महीने पहले की है, जब मैं 12th साइंस कर रहा था और साइंस ने मेरी पूरी की पूरी ले रखी थी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का अत्याचार मैं सहन कर रहा था। दोपहर के 12:30 बजे थे और मैं और मेरे रूम पार्टनर इस बात की राह देख रहे थे कि कब हमारे फ्लोर को खाना खाने बुलाई और हम सब अपने पेट में कुट्ठू से। तो फाइनली हमें बुलाया, हम सब जा रहे थे पर गलती से मैंने वो मेरी घिसी हुई चंपल पहन ली। वो चंपल किसी किस वजह से थी, एक दिन मेरे दोस्त मेरे पास से चंपल ले गया था। वो कह रहा है कि मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त है ले जा, तो वो ले गया। पर वो क्रिकेट खेल के आया तब मैंने देखा कि पूरी की पूरी चंपल ही घिस डाली थी। मैंने कहा यार क्या कर रहा था तू, व्हाट? पर कोई बात नहीं, मैंने कहा दोस्त है चलेंगे नहीं ले लेंगे फिर क्या। और मैंने वो गलती से पहन ली। तभी हमारे फ्लोर पे पोछा लग रहा था और मैंने घिसी हुई चंपल पहनी थी। अब क्या, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, मैं फिसल गया। पर फिसला भी ऐसे कि मेरे दो दांत टूट गए। सीरियसली मेरे दो दांत टूट गए। क्या तू कह रहा है कि तू चलते चलते गिर गया और तेरे दो दांत टूट गए? चलते चलते कैसे गिर सकता है, और गिरा तो ठीक है पर तेरे दो दांत भी टूट गए। तू तो ब्रो गधा है गधा, तुझे चलना भी नहीं आता चलना। साली 200 रुपए की चंपल। आज भी मैं वो दिन याद करता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि क्यों 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 मैंने वो चप्पल पहनी, क्यों साली 200 रुपए की चप्पल। हाँ, 5 मिनट में पूरी हॉस्टल को पता चल गया। फिर क्या, रेक्टर के ऑफिस में मुझे ले गए और रेक्टर ने मुझे खरी खोटी सुनाई और बाद में मुझे हॉस्पिटल ले गए। ब्रो ये तुम्हारे दांत को क्या हुआ है? अरे यार कल मैं सीढ़ियों से गिर गया था तो मेरे दो दांत टूट गए। अच्छा कितने के दांत आए फिर? एक दांत 50,000 में और दो दांत की कीमत करीब 1,00,000 रुपये हो गई थी। तो फाइनली डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे अंदर के दांत एकदम टन टना टन 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 टारा है, मतलब कि ठीक है। मैंने कहा सही है, अगर ये अंदर के दांत टूट गए होते ना फिर 50,000। पर डॉक्टर ने कहा कि बाहर के दांत टूट गए हैं इसलिए टूटे दांत को बाहर निकाल कर हमें वहाँ कवर लगाना पड़ेगा और 2-3 हज़ार का एक दांत का कवर आ जाएगा। मैंने कहा सही है, 1,00,000 के सामने 2-3 हज़ार बहुत ही कम है पर फिर भी ज्यादा है। तो मैंने कहा पुराने दांत को निकाल दो। फिर डॉक्टर ने मुझे सुलाया और डॉक्टर ने पाना पकड़ निकाले और इंजेक्शन निकाले और मेरे तो पर फटके हाथ में आ गई, ये दांत ही निकलने वाला है या मेरी किडनी भी निकाल देगा। सच में अचानक मुझे एक ख्याल आया कि आई थिंक मुझे मेरे पेरेंट्स को एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ। तो फिर क्या, मैंने डॉक्टर ने कहा 1 मिनट मुझे एक बार मेरे घर में फ़ोन करना है। डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो मैंने डॉक्टर का फ़ोन लिया और घर पे फ़ोन किया क्योंकि हमारे स्कूल में फ़ोन इज नॉट अलाउड। तो फाइनली मेरे पापा ने फ़ोन उठाया। पापा वो मेरे दो दांत टूट गए हैं। ठीक है मुझे काम है बाद में फ़ोन कर। सारे पेरेंट्स के बच्चे मेरे को प्यार ही नहीं करते। पापा को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर पापा को मैंने सब समझाया कि सच में मेरे दो दांत टूट गए हैं और पापा ने कहा कि तू घर आ जा फिर हम सोचेंगे क्या करना है। मैंने कहा सही है। तो फिर क्या, मैंने तुरंत मेरे दो पंख निकाले और मैं हवा में उठते उठते हॉस्टल गया और फिर उठते उठते घर आ गया। यार हॉस्टल से जो आने का मजा है ना भाई पूछो ही, सच बता रहा हूँ मजा ही आता है। फाइनली मैं घर आ गया और फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए और फाइनली डॉक्टर ने मेरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। वो लगातार 4 घंटे तक चली थी। फिर उसके अगले दिन डॉक्टर ने मेरे साइड के दो दांत खींच दिए और उसके ऊपर एक कवर लगा दिया। वो कवर करीब 10 दिन के बाद आया था और फाइनली कुल मिला के 10-15 दिनों में मेरे दांत ठीक हो गए थे और कुल मिला के 15,000 का चूना लग गया था। सीरियसली 15,000 का। मेरे पापा को आज तक ये समझ नहीं आया कि कोई चलते चलते गिर कैसे गया, पर उन्हें कौन समझाए कि साली वो 200 रुपए की चप्पल की वजह से ये हुआ है। तो ये थी
मेरी दर्द भरी स्टोरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में।